हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएस। दोस्तों ये न्यूज़ है ई खेल पाठशाला के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, जानेंगे पूरी खबर। आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्या है ये आपको बताती हूँ। कॉन्सेप्ट है खेलो इंडिया ई पाठशाला कॉन्सेप्ट। इसका एम ये है कि हम यहाँ पे डेवलप करेंगे कॉम्पिटेंसीज बिल्कुल ग्रास रूट कम्युनिटी कोचेस की और पी टीचर्स की, कैसे, थ्रू प्रोविजनिंग ऑफ फिजिकल और ऑनलाइन ट्रेनिंग के माध्यम से, जिससे क्या होगा कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड की कोचिंग वगैरह प्रोवाइड की जा सकेगी। हम समझेंगे इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानेंगे क्योंकि खेल भविष्य है, तो बहुत अच्छे से समझने से पहले आपके फायदे की बात करेंगे। दोस्तों हमारा अकेडमी भी होने वाला है संडे को यूपीएससी सीएससी कॉम्बैट, और इस बार होगा ये सीसैट स्पेशल। इसमें आप 4 करोड़ रुपए तक के रिवॉर्ड जीत सकते हैं, प्लस 100% तक की स्कॉलरशिप जीने का आपके पास मौका है। सिंपली लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइए और मेरे कोड सिर्फ आईएएस से खुद को फ्री में एनरोल कराइए और इस टेस्ट को दीजिए इस संडे। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पे डेली स्कॉलरशिप टेस्ट भी होता है यूपीएससी सीएससी के लिए। इसमें 50% तक स्कॉलरशिप पा सकते हो अपने सब्सक्रिप्शन पे। और अनकैडमी इस बार लेकर आया है आपके लिए ऑफलाइन एक्सपीरियंस देने के लिए ऑल इंडिया प्रीलिम मॉक टेस्ट, जो ऑफलाइन टाइम टेस्ट होगा ओएमआर एक्सपीरियंस के हिसाब से बेस्ड होगा एग्जैक्ट फाइनल प्रीलिम्स पैटर्न पे। ये भी 24 अप्रैल को होने वाला है। इसमें भी मेरा कोड सिर्फ आईएएस आपको फ्री में एनरोलमेंट कराने में मदद करेगा। इसके टेस्ट सेंटर्स ओल्ड राजेंद्र नगर और मुखर्जी नगर है, लोकेशन कंप्लीट इनकी वेबसाइट पर मिल जाएगी। और यहाँ पे प्रशांत धवन सर लेते हैं T20 करंट अफेयर्स टेस्ट मंडे टू फ्राइडे 7:30 बजे से, इंग्लिश हिंदी दोनों में अवेलेबल है। इसमें भी रैंक के अकॉर्डिंग आपको गिफ्ट कार्ड मिलेगा और सेम ये एवरी सैटरडे करा जाता है बाय दी महिपाल सिंह सर। इसके साथ मैं अभी 1 बजे से लाइव होने वाली हूँ यहाँ पे, मेडिवल हिस्ट्री एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी। यहाँ पे लेक्चर नंबर 19 रहेगा, इसमें भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। प्लस 3 बजे से मेरी क्लास एमसीक्यू की है, आप इसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हो। जस्ट यूज माई कोड, फ्री कोड सिर्फ आईएएस फॉर अवेलिंग ऑल दिस बेनिफिट्स फॉर फ्री। ऑल द लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, देखिए खेलो इंडिया ई पाठशाला, खेलो इंडिया ई पाठशाला ये माना जा रहा है कि जो आपका स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज है ना, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड नॉलेज एक्सेसिबल बनाएगा देश के अंदर हर जगह पे। ठीक है, तो अभी आपको बहुत अच्छे से पता है कि हमारे देश से प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जो है वो खेलने में इतनी सारी पॉपुलेशन, इतना कुछ है, लेकिन आज के टाइम पे भी हम क्या करते हैं कि एक हमारे पास गोल्ड मेडल आ पाता है और वही जगह पे चाइना देखिए, यूएसए देख लेना, कितने सारे गोल्ड मेडल्स आ जाते हैं ओलंपिक के अंदर। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम इस चीज पे बहुत ध्यान दें, और इस चीज पे ध्यान देने के लिए बेसिक ग्रास रूट लेवल को मजबूत करना बहुत जरूरी है। सबका इंटरेस्ट अच्छा बनाना पहली चीज, और दूसरी चीज की बेस्ट टू बेस्ट कोचेस हों ताकि एक अच्छे तरीके से उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दे सके उन्हीं बच्चों को। तो यहाँ पे खेलो इंडिया ई पाठशाला, ये जो स्पोर्ट रिलेटेड नॉलेज है ये देश के कोने कोने तक पहुंचाने की बात की जा रही है, चाहे वो कैसा भी इलाका हो, चाहे वो जियोग्राफिकल कंस्ट्रेंट हो या जो भी हो, जितना भी दिक्कतें हो ये, लेकिन हर जगह पे खेल के रिलेटेड नॉलेज पहुंचाई जाएगी। ठीक है, कैसे पहुंचाई जाएगी, विद प्रोफेशनली डेजिग्नेटेड करिकुलम अक्रॉस मल्टीपल स्पोर्ट डिसिप्लिन, जो कि डेवलप्ड इन कंसल्टेशन विद दी एनएसएफ, बड़े बड़े कोचेस एथलीट्स के द्वारा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के द्वारा, और इन्हीं के ही थ्रू हो सकता है कि हमारा जो यूथ है वो इस चीज़ में और इन्वॉल्व हो, अच्छी ट्रेनिंग पाएगा तो आगे तक जाएगा। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा इसका महत्वपूर्ण इंटेंशन है, और आपको ये रिलेटेड होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि खेलो इंडिया ई पाठशाला जो है इससे क्या है, मतलब क्या है एक्चुअली में ये, इससे किससे रिलेटेड क्या चीज़ है। तो ये आपसे पूछ सकते हैं यूपीएससी, इसलिए आप बिल्कुल इसको ध्यान में रखें। बाकी ऐसी वीडियो देखने के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना मत भूलिएगा। आई टीच देयर बाय द नेम ऑफ प्रसन्ना वर्मा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।